गौर गोविंद महाराज बार बार अपने प्रवचनों में ये वर्ड यूज करते थे, दिस रेयरली अचीव्ड ह्यूमन बर्थ, दिस रेयरली अचीव्ड ह्यूमन बर्थ, दिस रेयरली अचीव्ड ह्यूमन बर्थ। ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत भाग्य से मिलता है, बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर प्राप्त कर। इसमें फिर समय वेस्ट करने का हमारे पास समय नहीं, टाइम पास करने का समय नहीं हमारे पास। इसलिए जब जब हम टाइम वेस्ट करते हैं, हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये एक तरह का पाप है जिसका हमको एक दिन भुगतान करना पड़ेगा। किस प्रकार से? जब आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना, तो कभी ना कभी ऐसा होगा जब आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि मुझे टाइम चाहिए, लेकिन आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इसका ये कर्म फल होता है। तो दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनो दुख कहिबो कहाय। अब इस्कॉन में आ गए, बहुत सारे लेक्चर भी सुन लिए। सब कुछ सुनने के बाद अब पता तो चल गया कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन भगवान कृष्ण का भजन नहीं किया, ये दुख मैं किससे जाके कहूं? अच्छे से भजन नहीं किया, मतलब पता था सब कुछ, मुझे भी मालूम था कि क्या क्या चीजें फंसी हुई हैं, क्या रिजर्वेशन है। लेकिन ऐसे मैं मनुष्य जीवन प्राप्त किया, उसमें भी आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए थी, वो ना करके भगवान की कभी उपासना नहीं की। और ये कहानी में जाके किसको कहूँ, किसको जाके कहें कि ये मनुष्य जीवन का सारा टाइम हम वेस्ट कर दे रहे। कुछ ना कुछ हो जा रहा है, कभी कभी आजकल वोटिंग चल रही है, बीजेपी कांग्रेस इन सब चीजों में वेस्ट हो जाता है कुछ ना। अलग अलग प्रकार से समय वेस्ट कर रहे हैं, बहुत समय वेस्ट। एक चीज को खरीदने में चार चार दिन लगा देते हैं, अमेजॉन पे सर्च कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे सर्च कर रहे हैं, गूगल में सर्च कर रहे हैं। एक चीज खरीदनी है, एक छोटी सी एक चीज खरीदनी है, माय गॉड इतना खरीद रहे हैं। महा जनो ये न गता सपन था। किसी भक्त से पूछो वो कैसे आपके जैसा ही जिसका, वो क्या करते हैं? मान लो हमको कोई कार खरीदनी, जो वरिष्ठ भक्त है, जो अनुभवी भक्त है, जो आपके आइडियल है, मतलब आपको लगता है कि जो ये भक्त जो है आइडियल डिवोटी है, तो उनसे पूछना चाहिए कि प्रभु जी आप कौन सी कार। तो किसी भक्त से डिस्कस करके फिर ये निर्णय लेकर के कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहिए इस चीज को। बहुत रिसर्च कर रहे हैं, एक मोबाइल खरीदना है, इतना जगह सोच रहे हैं, इतना देख रहे हैं, वहां डिस्काउंट मिलेगा कहाँ मिलेगा। जितना तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा उससे ज्यादा तो उतने टाइम वेस्ट कर दिया। कितना टाइम वेस्ट कर दिया, खाने के लिए लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। घर पे भोजन बन सकता है, लेकिन वो नहीं, जाएंगे कहीं दूर जा करके वहां पे होटल में ढाबे में खा के आएंगे और उसके बाद उसकी फोटो अपलोड करेंगे। अगर उस ढाबे का ओरिजिनल रियलिटी पता चल जाए कि वहां पे कैसे बना है खाना, तो सब उल्टियां करेंगे, सब उल्टियां करेंगे। एक बार मैं चित्रकूट गया, अब वहां पे तो कुछ प्रसाद की व्यवस्था थी नहीं, तो ऐसे समय पे गया था, आनंद बलदेव लोग थे नहीं वहां पर शायद, जैसे मेरे मदर फादर वगैरह सबके साथ में गया था। पूछ रहे थे कि भाई कोई बिना ऑनियन गार्लिक का ऑफर्ड कुछ मिल जाए या कुछ ऐसा, कोई मिल ही नहीं रहा। फिर उसके बाद एक होटल मिला,
जिसमें इस तरह का था, लेकिन मैं जब देखा मैं वहां जा करके वो कैसे बनाया है, तो यहाँ तो बाहर तो वो था, मेरे पिताजी ने कहा कि भाई मुझे तो भूख लगी है बहुत तेज, तो पिताजी को तो पहले ही हमने बोल दिया कि ठीक है आप, तो कुछ एक स्नैक्स के जैसे उन्होंने लिया। फिर अब मैं और मदर थे मेरे, मैं गया वहां पे, देखा जो व्यक्ति बना रहा था उसका पसीना उसी में गिर रहा था, पसीना जो वो बनाते बनाते पसीना हो जा रहा उसी में गिर रहा। अरे क्या, बस उसके बाद फिर खाने का इच्छा नहीं हुआ। अरे कितना टाइम वेस्ट कर देते, टाइम वेस्ट करना कितनी, हम समझते नहीं इस बात, और लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन इतना ज्यादा है। सुबह सुबह उठेंगे सबसे पहले शॉपिंग करना शुरू, या फिर सुबह उठेंगे सुबह अभी माला करने का समय है सबसे पहले माला करना चाहिए, नहीं माला नहीं करें फिर क्या करेंगे, फिर सारी दुनिया के काम उसे समझा, ऐसा करो पहले आज थोड़ा साबुदाना भिगो देते, नहीं नहीं ऐसा करो ये भी तो काम है, चलो पानी लगा देते हैं, गार्डन में भी तो गमलों में कौन पानी डालेगा, चलो सुबह सुबह ही गार्डन गमले में पानी डाल दे। लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन मनुष्य जीवन कितना, सारे ये सारे काम जो बाद में हो सकते हैं ना, माला के बाद भी तो हो सकते हैं, सब कुछ माला सबसे पहले करना। फिर कह रहे हैं मनुष्य जीवन का जो समय है बहुत दुर्लभ है। अब आप कहेंगे प्रभु जी 24 घंटे नहीं हो पाएगा प्रभु जी, ठीक है मतलब ठीक है आप लोग कहते हैं इसका ठीक है, हम भजन करने को तैयार हैं, क्लास वगैरह अटेंड करने को तैयार है थोड़ा, लेकिन प्रभु जी 24 घंटे, प्रभु 24 घंटे करने का मतलब क्या है, आपको जितना समय बचता है भौतिक जो चीजें हैं उसमें भी बहुत ज्यादा डेडिकेशन से नहीं, तो कोशिश यही करना है कि दुनिया का जो नौकरी है या कुछ भी है वो 8 घंटे बस उसी में ही निर्वाह हो जाए, सब कुछ उसी में ही, 10 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ ये है कि जब कम काम रहे, कंपनी वालों ने कम काम दिया है उस समय ज्यादा काम करना चाहिए, क्यों, ताकि आपको तो उस समय कम मेहनत करनी पड़े जब आपको ज्यादा काम। हमारे एक भक्त है वो 6-6 प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर लेते, अजन्मा कृष्ण, तो फिर होता गया था क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर लेते थे, तो कभी जब उनको छुट्टी चाहिए होती थी कंपनी वाले खुद ही कहते थे कि भाई देखो ले लो जितनी छुट्टी लेंगे। यहाँ पे ये चीज को कह रहे हैं कि ये जो मानव जो जन्म मिला है ये बहुत दुर्लभ होता है, सब इतनी बार बोला जा रहा है दुर्लभ है मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन दुर्लभ, तो इसमें चुनना पड़ेगा, कृष्ण को प्राप्त करना चुनना, हर क्षण ये डिसीजन होगा, जब आप मैकडॉनल्ड्स के सामने खड़े हो बार बार लोग कहेंगे ऐसा करो, मनुष्य जीवन को वेस्ट करने के लिए नए नए तरीके, कई बार तो ये कहेंगे खूब अधिक भोजन कर लो, अधिक भोजन करोगे तो सोने का खूब आएगा नींद आएगी, सोते रह जाएंगे, मनुष्य जीवन वेस्ट। तो ये रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्पिरिचुअल परफेक्शन प्राप्त करने के लिए, इसलिए मानव जन्म लभिया संसारे अति दुर्लभ है। कृष्ण नाम अजन दुखा कहीं बो कहाँ रे, लेकिन एक भक्त कह रहा है कि मेरा दुख क्या है, मेरा दुख ये है कि कहानी में किससे कहूँ कि भगवान का शुद्ध भजन नहीं किया, हमेशा कोई ना कोई स्वार्थ था, कोई ना कोई चीज प्राप्त करने के लिए, वैष्णवों को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रयास नहीं किया, ऐसे ही जीवन जिया खोखला खोखला जीवन। कभी थोड़ा बहुत ही खोखला जीवन जिए,
कह रहे हैं कि टाइम कैसे वेस्ट होता है। संसार संसार कर निछे गे लो लाभ ना कोई लो पिछू पूछ लो जग लो जन जान। कह रहे हैं कि हैविंग मैरिड एंड एंटर्ड इनटू एंटैंगलमेंट्स ऑफ मटेरियलिस्टिक फैमिली लाइफ आई पास माय टाइम इन वेन। बार बार मैं कहता रह गया अरे मेरे बच्चों के टाइम देना है, परिवार है, ऑफिस है, ऐसे संसार संसार कह करके मैं बहुत बिजी रहा, हमेशा बिजी। लेकिन ये जंजाल कभी घटा नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि घर वालों ने बोल दिया अरे सारा इतना मेहनत तुमने किया सारा काम ही खत्म कर दिया, अब हम लोगों को कोई काम ही नहीं। कभी ऐसा नहीं हो। आप परिवार में जो इतना टाइम आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम सोचे कि इतना टाइम दिया इतना पैसा दिया, सब लोग बोल देंगे अब सब बस करो ठीक बस करो लाओगे क्या इतना काम कर रहे हो। तो उल्टा मैंने देखा कि लोग जो है इस पे उल्टा कहते हैं कि भाई नहीं तुम और करो और करो, इनके लिए भी करो और उनके लिए भी करो खूब करो। ऑफिस से सुबह 8 बजे 9 बजे व्यक्ति पहुंचता है, वहां पहुंच करके उसका रोल कॉल होता है, मैनेजर बुलाता है ठीक है कि नहीं कल का डिलीवरी किया कि नहीं, आज क्या रिपोर्ट है तुम्हारी। फिर उसके बाद दिन में काम करता है, थोड़ा सा दोपहर में चलने के लिए जा पाता है नहीं, फिर वहां जाके लंच में जाता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर वॉक वगैरह करता है, 7 8 बजे 9 बजे तक काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और जब भी कोई पूछे भक्त लोग पूछेंगे प्रभु जी यात्रा में चलेंगे तो नहीं प्रभु जी वो छुट्टी नहीं थी ना प्रभु जी तो सारा एक्चुअली जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है इसलिए हमको तो छुट्टी नहीं। संसार संसार पर निछे गे लो काय लाभ ना कोई लो पिछू घटी लो जा। तो इसे अब लाभ ना कोई लो लाभ ना हो लो पीछे में तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, ऐसा नहीं हो दे मतलब। तो जैसे मान लो कि आपने शुरू किया कुछ काम शुरू किया तो ऐसा नहीं होगा सब काम खत्म हो गया, नहीं खूब रहेगा फिर से और भी बहुत कुछ। ठीक है तो ये जो है यहाँ पे कह रहे किसे रे संसार ए छायाबाजी प्राण यहाँ पे ममता करी वृथा दिन जा। कह रहे हैं कि ये दुनिया ऐसी है जैसे कि कोई व्यक्ति छायाबाज कोई जादू दिखाता है, वैसे इसमें बहुत सारे जादू के डांस होते हैं ना और हम बहुत आसक्ति। ऐसी दुनिया से बहुत आसक्ति और ये हम डेवलप कर लेते हैं और दिन पर दिन ऐसे बीतता चला जाता है और कुछ फल नहीं मिलता। तो कह रहे इसे रे संसार यही छायाबाजी प्राय यहाँ ते ममता करी वृथा दिन। प्रॉब्लम ये है कि इतना टाइम वेस्ट करने का से हमारी इससे आसक्ति भी हो जाती है और कोई फायदा नहीं मिलता। तो क्या करना चाहिए शुद्ध तो भजन करना चाहिए, अपने भजन का एनालिसिस करना चाहिए। अब मैं धीरे धीरे हर दिन लेक्चर सुनूंगा तो नोट्स बना करके वीडियो ऑन करके सुनूंगा। अच्छा मैं अपनी जो ध्यान चैंटिंग है उसमें मोबाइल वगैरह बिल्कुल हटा करके एकदम 3 सवा 3 से लेकर के 5:30 तक एकदम ध्यान पूर्वक एक एक मंत्र को सुनते हुए जप करूँ। अच्छा आज से मैं बहुत जल्दी सोता हूँ, इस तरह के निर्णय जो है लेने चाहिए मतलब अपने भजन को तीव्र बनाने के, अपने भजन को तीव्र बनाने के इस तरह के निर्णय लेना चाहिए।
अंत में देखो सब कुछ करने के बाद भी बड़े लोग करते हैं तो हम भी उससे इम्प्रेसिव आते हैं, लेकिन कृष्ण का ये टेस्ट होगा, कृष्ण के सामने ये टेस्ट होगा हम कितना कृष्ण भावना भावित हुए। किसे रे संसार यही छाया बाजी, कम से कम इतना तो होना चाहिए हमारे अंदर कि हम प्रयास अच्छे से नहीं कर पा रहे, इसका हमें थोड़ा दुख तो होना चाहिए, कुछ हम सेवा नहीं कर पा। ठीक है, तीन प्यार हमने आज चर्चा किया, इससे आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी भक्तों का धन्यवाद, इस भजन को सुनिएगा, दुर्लभ मानव जन्म, कोई भक्त इसको आशा हरियाणा पर भी डाल देंगे हम, और इसका ऑडियो वीडियो अगर डाल सके या ऑडियो अगर हो तो वो डाल सके तो सुन सके तो ठीक है, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते, वो रख दो। यस प्लीज, बोलिए प्रभु जी। यस गोरख प्रभु बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गृहस्थ मार्ग और सन्यास मार्ग में चलने पे हमें भगवत प्राप्ति प्राप्त होती है, इसमें से अगर हम गृहस्थ में हैं तो क्या हमें वो गति प्राप्त होती है या नहीं होती है? हाँ क्यों नहीं, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम दोनों में गति तो प्राप्त होती है, बस इतना है कि गृहस्थ आश्रम एक ऐसे व्यक्ति जैसे कोई बैग लेकर के पहाड़ पे चढ़ रहा है और कोई बिना बैग के चढ़ रहा है तो थोड़ा जल्दी चढ़ेगा, तो बस इतना ही अंतर होता है, बाकी प्राप्त तो वो भी कर सकता है पहाड़ पे प्राप्त, अगर कोई अभी विवाह नहीं किया है तो वो कोशिश करे कि अगर घरवाले अलाउ कर दें और किसी तरह से बच जाए, अगर ब्रह्मचारी आश्रम में आ जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि चाइना वाले बहुत पॉपुलेशन पैदा कर रहे हैं, इतना कोई ऐसा है नहीं कि हम कोई महात्मा गांधी के अवतार हैं कि हमको बहुत सारा खानदान चाहिए, हमारा कुल चलना चाहिए, कोई राजीव गांधी संजय गांधी तो है नहीं, हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ अपने को नहीं समझना चाहिए। और जो है उनको मतलब कोशिश यही करना चाहिए कि जो अपना गृहस्थ आश्रम जो है उसमें सारे नियमों का पालन करके, बस यही प्रॉब्लम है कि मान लो आपको कोई रिश्तेदार है वहां जाना पड़े तो डीजे में नाचना ही पड़ेगा, अब डीजे के बाद माला करेंगे तो उसमें डीजे आएगा ना, तो यही है। ब्रह्मचारी आश्रम में आपको सब गंजे लोग दिख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर लड़ाई झगड़ा भी होगा तो गंजे व्यक्ति से ही होगा, सपने में गंजे व्यक्ति आएंगे, मतलब हाँ यही फायदा है बस गृहस्थ आश्रम में पहुंचे। रही बात बनने की, तो कोई भी रोक नहीं सकता आपको गृहस्थ बनने से या ब्रह्मचारी बनने से, अगर अपना मन नहीं करेगा तो कोई रोक नहीं सकता, और इस ये एक निर्णय में गुरु के आदेश का भी उल्लंघन किया जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति गुरु कह रहे हैं कि शादी कर लो लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है तो उसको अलाउ किया जाता है, ये एक एस्पेक्ट है जिसमें गुरु जी के आदेश का पालन मना किया जा सकता है, जैसे कि भीष्म पितामह, तो ये एक एस्पेक्ट है जिसमें शास्त्रों में इसको मना किया गया, वैसे ज्यादातर लोग इस्कॉन में गृहस्थ हैं, और इस्कॉन इस्कॉन इसलिए बार बार हम कहते रहते हैं क्योंकि सभी संप्रदाय हैं, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत सारे, लेकिन एक स्ट्रक्चर नहीं है, या फिर कोई बाबा जी एक तो हैं फिर उसके बाद फिर जो लोग हैं वो उनको कहीं नामो निशान भी नहीं मिलेगा और ना ही लोग होंगे भी अगर, तो इट्स नॉट ए प्रॉपर चैनल, पूरा सिस्टम नहीं,
अब यहाँ से अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो क्या करना, वहाँ भक्तों का संघ चाहिए आपको, इस्कॉन के डिवोटीज मिलेंगे वहाँ, ऑक्सफोर्ड में भी मिलेंगे, सब जगह वर्ल्ड में भक्तों का संघ में भक्ति करने के लिए वहाँ पे मिलता है इस्कॉन, इसलिए बार बार ये रिकमेंड करते हैं। तो गृहस्थ और ब्रह्मचारी या सन्यासी अगर रहते हैं दोनों से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन बस यही है कि उनके नियम अलग हैं और उसको करने में कठिनाई बहुत है। जैसे मतलब कोई भी व्यक्ति अगर गृहस्थ आश्रम में, आप पूछो इतनी सारी चीजें होती है करने को, उसके साथ करना, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि देखो वीरता तो उसी में है, भाई गृहस्थ आश्रम में रहो सारी चीज को करते हुए तुम करो, नहीं मतलब ये ऐसे ही है, ये ऐसे कोई व्यक्ति बोले कि देखो युद्ध लड़ना, दो लोग गए युद्ध लड़ने के लिए, आर्मी में ज्वाइन कर लिए, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ मतलब आर्मी में ज्वाइन कर लिए, युद्ध लड़ेंगे और जाएंगे पाकिस्तान को हराएंगे। अब किसी ने कहा कि भाई देखो युद्ध तुम लड़ो लेकिन अगर तुम थोड़ा हारमोनियम बजा करके, थोड़ा मृदंग बजा करके और डांस करके और थोड़ा सा जो है तुम ये जो है मॉडलिंग करके और ये सब करके भी अगर तुम पाकिस्तान में गोली मार दी है तो बड़ी बात हुई ना। ये ऐसे नहीं भाई, आवश्यकता नहीं है ना, हम क्यों हारमोनियम बजाएं, जब हमें आर्मी में ज्वाइन करना है, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है और भगवत धाम जाना है, तो ये कई बार ऐसे लोग, ऐसे भी लोग लॉजिक देते हैं कि भाई देखो रियलिटी तो यही है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर जब आप बच्चे भी हैं, सब रिश्तेदारों का सब कुछ करते हुए, सारे समाज का देखते हुए जब आप करते हैं तो वो ज्यादा बड़ा है, न कि संन्यास आश्रम बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा, और ना ही ये है कि कोई ये कहे कि देखो जब तक संन्यास नहीं लोगे क्या तुम भजन नहीं हो पा रहे, भजन नहीं कर सकते, नहीं गृहस्थ आश्रम में भी भजन किया जा सकता, पर ज्यादा प्रॉबेबिलिटी ऐसा रहता है कि भाई व्यक्ति, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं फंस जाएंगे, आप अगर पत्नी है वो अब मैक्सी पहन के लेटी है आपके साथ तो आपको संग करने का मन नहीं करेगा, करेगा ना, कहाँ आप रोक पाएगा कोई, ब्रह्मा जी ने यह आकर्षण बनाया है स्त्री पुरुष के बीच, आप रोक पाओगे, उसकी वजह से पूरा बॉलीवुड शाहरुख खान का पेट चल रहा है, सारी हीरोइन हीरो जितने भी सबका, रजनीकांत सबका पेट चल रहा है, जानते हैं वो ये एक चीज जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, ये सबसे पावरफुल चीज, सीमेंट तक बेचने के लिए लोग इसका यूज करते हैं, जानते हैं ये चीज मेन चीज है, तो लोगों को ये पता है कि दिस वन थिंग विल कैच एवरीथिंग एवरीवन, तो इसीलिए जो व्यक्ति अगर इससे बच सके तो बचना चाहिए, क्योंकि फिर और फिर उसके बाद फिर आप इस्कॉन में अगर हैं तो बहुत सारे भक्तों के उसमें रह सकते हैं, भक्तों के संग में, और अगर गृहस्थ आश्रम में है तब भी हमको यही करना चाहिए, इतना बिजी रखना चाहिए अपने आप को कृष्ण वाली चीजों में, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, हम उसमें बिजी हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, इस तरह से बहुत व्यस्त, इस तरह से बिजी रहने पर हम कृष्ण की सेवा में खूब व्यस्त रहेंगे, तो वो एकदम ब्रह्मचारी लाइफ भी वैसे ही रहेगा। तो गृहस्थ आश्रम में अच्छा है या ब्रह्मचारी आश्रम अच्छा है, या गृहस्थ आश्रम से जा सकते हैं या ब्रह्मचारी आश्रम से जा सकते हैं, दोनों ही से जा सकते हैं, भगवत धाम तो दोनों ही से जाया जा सकता है, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक व्यक्ति से नहीं जा सकते, बस एक में थोड़ा सा इजी है आप और एक में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि जा नहीं सकते, जा सकते हैं, उसमें डिफिकल्टी दोनों में ही, डिफिकल्ट तो दोनों में भी है, एक में तो इंद्रिय संयम करना पड़ेगा, इसे मान लो इतना इंद्रिय संयम नहीं करना पड़ेगा लेकिन फिर भोग में जाने की ज्यादा प्रॉबिलिटी हो जाएगी, तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। श्री प्रभुपाद का ये मत था कि इफ यू बिकम ए ब्रह्मचारी 75% यू आर लिबरेटेड, जब आप ब्रह्मचारी बन जाते हैं तो 75% आपका लिबरेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि 8 चीजें जो हमें किसी व्यक्ति को बांधती, देह अपत्र, देहापत्र, कलत्र, आदिशु,
देह अपत्य कलत्र श्रीमद्भागवतम में ये श्लोक दूसरे अध्याय दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के चौथे चौथे श्लोक में ये आता है, श्रीमद्भागवतम 2.1.4, जिसमें कहते हैं क्या आठ चीजें हमको बांधती हैं। देहा पत्र कलत्र आदिषु आत्मसैन्येषु असत स्वपि तेषां प्रमत्तो निधं पश्यन् पश्यन् अपि न पश्यन्। एट थिंग्स, आठ लोग हमको बांधते हैं। कौन कौन से आठ लोग? ये शरीर, बच्चे, पत्नी, अच्छा ये वाला, अच्छा ऐसे, अच्छा ये वाला श्लोक नहीं है, ऐसे एट थिंग्स आर देयर, है ना, वैसे ये आठ चीजों में से उसके पास बचते बस एक ही है, शरीर, और कोई आसक्ति नहीं रह जाती। तो ये जब प्रोबेबिलिटी ये बताया जा रहा है, रास्ता ये वाला है, ये वाला है, अगर ये वाला सेलेक्ट करें तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु जी जब हम सारा जो है युद्ध लड़ने तो हम जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति युद्ध लड़ रहा है वो ऐसे लड़ रहा है कि भाई थोड़ा हारमोनियम भी बजाएंगे, थोड़ा ये बैंड बाजा भी बजाएंगे, और ये सब करके जब गोली चलाएंगे ना प्रभु जी पाकिस्तान के ऊपर, तब समझो कि महान कुछ किया तुम। अरे भाई इसकी जरूरत ही नहीं थी, मेन जो गोली मारना है, कृष्ण भक्ति करनी है, उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। हाँ आपकी आवश्यकता है तभी है, आवश्यकता है नहीं, तो नहीं करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लोग हैं खूब करें, भक्ति चारू स्वामी महाराज हमारे, देखो आप लोकनाथ स्वामी महाराज, बहुत सारे लोग, सब है बहुत बढ़िया से कर, और गृहस्थाश्रम से भी बहुत सारे लोग, विजयनाथ गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, सब आश्रम से जाया जा सकता है गोरख प्रभु। ठीक है ठीक है, प्रवीण, ओके। और कोई प्रश्न है किसी? एनी अदर क्वेश्चंस? राधिका माता जी, आपका कोई प्रश्न था? या लेट हो गया, मुझे पूछूं क्या आपसे, या कल बोलिए के लिए बोलिए पूछूं? बोलिए। कभी भगवान से प्रेम करने के लिए कौन से ऐसे बात होती है जो कि भक्त या शुद्ध भक्त हमेशा तत्पर रहते हैं? प्रार्थना, ओके, और क्या बोल रहे थे आप? कुछ और बोल रहे थे आप? और एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, ओनली प्रार्थना, अगर हम एवरीडे और बार बार प्रार्थना करेंगे तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, ठीक है? प्रार्थना करने से, क्योंकि ये एक चीज ऐसी है जिसमें आपको क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, है ना, समझ रहे हैं, है यस, ना। देखो भोग लगाना है, उसमें घी शुद्ध चाहिए बेटा, बहुत सारी चीज शुद्ध चाहिए, ये आशीर्वाद आटा भगवान नहीं खाते, लेकिन अगर भक्त खिलाए तो जौ का आटा भी खाते। मतलब प्रेयर्स एंड द डिवोशन एंड द लव आर द मेन इंग्रेडिएंट्स, लव सर्विस इज द सिम्टम ऑफ लव एंड लव इज द रियल सर्विस। लेकिन एक चीज शुद्ध है इस संसार में, हमेशा शुद्ध है, और उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, वो है प्रार्थना। तो एक जो बहुत शुद्ध वैष्णव होता है वो हर क्षण प्रार्थना करता है, छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों। मान लो वो नासा में साइंटिस्ट है, सारे लोगों को वहां पे भक्त बना रहा है और सबको प्रसाद खिलाता है, फिर उसमें ये भी प्रार्थना करेगा कि भगवान चंद्रयान लैंड हो जाए अच्छे से। तो हो सकता है कोई शुद्ध भक्त है गृहस्थ आश्रम में रह करके भी बहुत अच्छे से प्रार्थनाएं कर रहा है, 24 घंटे प्रार्थना करना ही एक व्यक्ति को भगवान की शरण लेना, सारे जो सारे जो गुण है एक वैष्णव के, कृष्ण एक शरणा,
ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो बाकी सारी चीजों के लिए क्वालिफिकेशन इतनी चाहिए कि भोग लगाना क्या क्या बहुत सारी चीज सब में क्वालिफिकेशन चाहिए। इट्स नॉट इजी, आसान नहीं। कीर्तन करने के लिए अरे बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए, भागवतम बोलना वो भी बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए, स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरण भगवान का स्मरण करना श्रवण करने के लिए बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए। तो व्यक्ति पहले स्वस्थ होना चाहिए, उसके साथ साथ रुचि होना चाहिए सब कुछ करना, लेकिन प्रार्थना करने में क्या आया, बस भगवान से जो भी स्थिति में है प्रार्थना कर सकते। तो एक बार श्रील प्रभुपाद को इसका एनेक्डोट बताता हूँ मैं आपको। प्रभुपाद ने बोला कि आई कैन किक माया विथ माई बूट्स, और प्रभुपाद ने बोला, बाद में प्रभुपाद फोटो के पास जाकर के कुछ कह रहे थे, भक्तों ने पूछा प्रभुपाद आप व्हाट आर यू सेइंग टू कृष्ण, तो प्रभुपाद ने कहा कि आई एम सेइंग टू कृष्णा दैट प्लीज सेव मी फ्रॉम माया। सुशील प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि बिकॉज आई एम ऑलवेज प्रेइंग दैट माया शुड नॉट टच मी, दैट इज वाई माया आई कैन किक माया विद माई बूट्स। तो दैट इज द रियल आर्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज द रियल आर्ट ऑफ लव, दैट यू कीप प्रेइंग ऑलवेज एवरी मोमेंट, टेलिंग कृष्णा, कृष्ण से बातें करते रहना और उसको बता देना सब कुछ, बींग ऑनेस्ट टू एटलीस्ट 1% दैट इज कृष्ण, है ना, राधिका मदद से। और दूसरा क्या प्रश्न था? हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी एक समय के बाद में हर एक आश्रम को चेंज करना चाहिए ना, तो एक एज का होता है कि भाई आप 45 50 हो गए तो आपको फिर चेंज करना होता है, फिर उसके बाद में फिर जैसे ये तो पुरुषों के लिए है, लेकिन स्त्री के लिए ऐसे संन्यास तक नहीं जाता ना। हाँ, स्त्री को हमेशा आश्रय में रहने के लिए कहते हैं, पर इस्कॉन में अब ये रूल आ गया है कि FDG करके एक नया कॉन्सेप्ट आया, फीमेल गुरु, फीमेल क्या प्रभु जी, गुरु उसका। तो अब इस्कॉन में कुछ माताएं भी गुरु बन रही है, संन्यास दीक्षा तो नहीं होता उनका ऐसे, पर दे आर स्पिरिचुअल मास्टर्स, और हिज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने इसको अलाउ किया अभी कुछ समय पहले ही, जब ये जीबीसी में बहुत बड़ा डिस्कशन था और सब लोग ये सोच रहे थे कि, क्योंकि बहुत सारे उसमें सन्यासी हैं वो ये सोच रहे थे कि ये नहीं अलाउ करना चाहिए, लेकिन इस्कॉन ने ऑन द स्टेटमेंट ऑफ इस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, महाराज ने बोला कि इफ सम माता जी इज एक्सेप्शनली क्वालिफाइड शी कैन एक्सेप्ट डिसाइपल्स। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं, माता जी लोग भी आगे चल के गुरु बन सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं, और इस्कॉन में अभी ये ऐसा कुछ नहीं। वैसे भी अगर देखा जाए तो शरीर की वजह से वर्णाश्रम का व्यवस्था तो चेंज होती है, पर जो इस्कॉन है ये तो ट्रांस वर्णाश्रम, तो इसलिए शरीर की वजह से यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा, केवल जब बद्ध जीव होता है कोई व्यक्ति तो उसमें निर्णय लेना थोड़ा सा रहता है, तो लेकिन अदरवाइज कोई ऐसा रूल नहीं। तो फीमेल बॉडी में भी सब कुछ होता है, आप वानप्रस्थ लेते हैं, वानप्रस्थ का मतलब है कि 50 साल के बाद मंदिर के आसपास ही रह करके मंदिर में ही सेवा करना, और अपनी आमदनी के लिए कुछ ऐसा स्रोत रखना जिससे कि हमेशा आपको 50,000 रुपये कम से कम आता रहे, ताकि अपने मेडिकल चीज़ें आप ले सकें, और मंदिर आपके जो प्रतिदिन का जो रेगुलर भोजन है सुबह शाम का वो आपका देता है वानप्रस्थ आश्रम में, साथ में आपको कोई एक सेवा मिलती है, जैसे किसी को गार्डनिंग मिल जाती है या वानप्रस्थ में किसी को काउंसलिंग मिल जाता है, इस तरह से जो सेवा रहती है वो करनी है। तो ये वानप्रस्थ ले लेते हैं, उसके बाद संन्यास आश्रम तो नहीं रहता है, लेकिन गुरु बनना दोनों के लिए पॉसिबल है, दोनों ही गुरु बन सकते हैं।
है ना, राधिका माता जी। प्रभु जी, बस प्रभु जी जैसे हम किसी में भी वर्ण में हो, जैसे प्रभु जी ने पूछा था, या किसी भी आश्रम में होते हैं, तो हमारा बस टारगेट ये होना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करें, है ना? एक्चुअली तो तरह से देखा जाए ना, तो ये ज्यादा गृहस्थ ब्रह्मचारी इसकी बात है नहीं, क्योंकि ये तो बस एक, मान लो जिसको जो कंफर्टेबल लगा उस समय उसके लिए, बाद में तो एक तरह से ये ईमानदारी ही है। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, अगर कोई हो सकता है कि जैसे संतान उत्पत्ति का प्रयास जब करता है कोई व्यक्ति, तो मेरे कुछ काउंसलर्स हैं जो अभी रिसेंटली मैरिड, उन्होंने शादी की, तो उनके कई बार आजकल के सिनेरियो में माताओं के गर्भ नहीं ठहरता, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या थायराइड की प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कई बार नहीं ठहरता, तो कई बार फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाकर के हमको सहन करना पड़ता है। तो इसमें ये नहीं कहेंगे कि प्रभु जी गृहस्थ आश्रम में तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, इट इज एक्चुअली ऑनेस्टी, एक तरह से ईमानदारी है कि भगवान अब नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में संतान होना, ये प्रयास करना चाहिए, छह चीजों में से एक गृहस्थ आश्रम में, तो इसलिए हम कर रहे हैं प्रयास। तो हम महीने में एक बार फिर उस प्रभुपाद अलाउ करते हैं, मंथ में एक बार, डॉक्टर्स कहते हैं कि 60 डेज आप वेट करके करिए, तो भाई वहां पर ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। फिर कई सारे टेस्ट होते हैं, उसमें टेस्ट में बहुत सारे नियमों को तोड़ना पड़ जाता है, तो आप कहेंगे कि प्रभु जी क्या है, तो समझ नहीं पा रहे, तो दिस इज ऑल देयर। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम हो चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो, ईमानदारी है एक तरह से, भाई आप अपने आश्रम के प्रति, है ना राधिका माता जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा, सर्व हरे प्रणाम। कृष्ण समझते हैं, थोड़ा डिस्काउंट तो रहता है गृहस्थ आश्रम में, थोड़ा डिस्काउंट तो रहता है, कृष्ण समझते हैं, वो भी गृहस्थ है ना, इतनी सारी पत्नियां हैं तो उनको भी काफी कंसिडरेशन तो रहता है। वैसे आप रिश्तेदारी में चले गए और वहां पे भंगड़ा नाच के चले आए, अब जीजा जी ने बोला आओ आओ आओ, तो भी क्या करें, थोड़ा नाच लिया तो आपको इतना ज्यादा पाप नहीं, क्या रे क्यों नाच दिए, लेकिन अब कोई सन्यासी है, सन्यास दंड लेके तो भंगड़ा नाच रहा है किसी की शादी है पड़ी हुई, ओए 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 क्या गाना ना, झलक दिखला जा, उस पे नाच रहा है, तो एक अलग ही वो चीज उनको अलाउड नहीं। तो थोड़ा गृहस्थ आश्रम में डिस्काउंट तो रहता है, उसके एवज में वो गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी कर्तव्य होते हैं, जैसे कि साधुओं की सेवा करना, दान इत्यादि करना, और समाज का, पूरे समाज का भरण पोषण करना, और कोई भी भूखा ना रह जाए, ये सब निभाना, है ना, बहुत सारी चीजें उसको, उनको डिस्काउंट भी रहता है गृहस्थ आश्रम में, कि भाई जैसे अपनी पत्नी से संग करना 4 नियम के विरुद्ध है, अगर बच्चे नहीं पैदा करें, लेकिन पाप नहीं है, ऐसा नहीं होगा यमराज ले जाकर के आपकी कुटाई करेंगे, अरे कैसे अपनी वाइफ को पकड़ लिया आपने, बच्चे नहीं पैदा करने तो क्यों पकड़ लिया, ऐसा कुछ है नहीं। ये जो है, पर ये है कि ना, अगर गृहस्थ आश्रम में रहते तो उसके सारे कर्तव्यों को निभाना भी पड़ता है, एक तो परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी हो रहा है, सब में आपको इन्वॉल्व होना, समाज की भी सारी जिम्मेदारियां, देवर्षि भूतापः नृणां पितॄणां, देवताओं के ऋण सारे, बाद में सब साधु संन्यासियों ब्रह्मचारियों इन सबके पिता के रूप में, इन सबको ऐसा समझना कि ये सब मेरी जिम्मेदारी है, ऐसे समझ करके जीवन जीना, ये भी एक मतलब रहता है उनका कर्तव्य है, उसके लिए उनको कुछ डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, प्रभु जी थैंक यू, एंड वन मोर प्रभु जी, लास्ट छोटी सी आप बता दे तो। प्रभु जी जैसे आप बता रहे थे अभी 26 गुणों के बारे में, तो वो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी जैसे प्रयास करते हैं कि 100% में से कुछ तो कोशिश करनी ही चाहिए सभी को, तो एक के प्रति भी, अगर एक गुण के प्रति भी हम जाए, तो क्या हम करें कि कम से कम एक गुण में 0.1% हमें वो चीज आए, ताकि भक्ति हमारी आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे। हम लोग बस प्रयास ही करेंगे, जैसे आप अव्यर्थ कालत्वम का प्रयास करेंगे ना, मतलब ऐसे ही जो भी 26 क्वालिटीज ऑफ ए वैष्णव है, जैसे सहिष्णुता,
और समता, ये सब गुण है। तो आप प्रयास ही करेंगे, आपको पूरा प्राप्त करना आसान नहीं। आप, मैंने भी बहुत रिसर्च किया है टॉलरेंस पे, क्योंकि तो मुझे लगता है कि साधु बनना है तो सहनशीलता बहुत होनी चाहिए। तीक्ष्ण आकार होने का, कभी किसी ने मुझे अगर थप्पड़ मार दिया तो भी मैं सह लेना, फिर किसी ने अपमान किया तो भी सह लेना। फिर स्टार्टिंग तो ऐसे हुई थी कि मैं कोई कुछ करता था तो मैं उसको जवाब देता, फिर मैंने जवाब देना बंद किया, किसी ने कुछ कहा तो जवाब नहीं देता। फिर कुछ समय के बाद, लेकिन मन में तो रहता, फिर कुछ समय के बाद मैंने सोचा कि अब जो भी जवाब दे, जो भी कुछ करे, मैं जवाब तो नहीं दूंगा और ना ही मैं उसके बारे में कुछ बुरा सोचूंगा, ना ही उसका कुछ बुरा करूंगा। पर धीरे धीरे फिर इस स्तर पे हमको आना चाहिए कि जो हमारे साथ बुरा करे उसके साथ हम बहुत ही अच्छा करें। तो अब ये जो वैष्णव गुण है, इसका प्रयास हम कर सकते हैं, पूरा आ नहीं पाता, क्योंकि उस समय कर लिया, लेकिन कुछ समय के बाद पता चला कि एक व्यक्ति आया दही लेकर के हमारे यहाँ पे, और उसने कहा कि भाई देखो, मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनको मैं जो मोटी मोटी दही है वो उनको दूंगा, और जो पतली वाली है, क्योंकि आप बहुत रेगुलर कस्टमर नहीं है इसलिए आपको पतली वाली दूंगा। वो गुस्सा आ गया, अरे ऐसे कैसे। तो हम इतना परिपक्व नहीं है, अभी स्ट्रगल हम भी कर रहे हैं। हमने सोचा है कि हम सहिष्णु बन गए, लेकिन अभी बने नहीं, तो हमारा उतना परिपक्वता नहीं आता। इसलिए लिख करके प्रयास जरूर करना चाहिए, शुद्ध भक्ति का प्रयास करने में जो आनंद है, प्रार्थना करके चीजों को करने में जो आनंद है, जब आप देखेंगे ना कि कृष्ण मेरे साइड है और मेरे साइड से कृष्ण युद्ध लड़ रहे हैं और बार बार मैं ही जीत रहा हूं, बहुत टेस्ट लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक, टू ऑलवेज प्रे एंड प्रैक्टिस, प्रे एंड प्रैक्टिस, इट्स ए टेस्ट, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, अरे ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इस मीटिंग को क्लोज हरे कृष्ण करते हैं। प्रभु, हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण।